महाराष्ट्र में महायुति की लैंडस्लाइड विक्ट्री, कार्यकर्ताओं ने फडणवीस को दी बधाई, गोद में उठाकर इस्तकबाल किया। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में एक है तो सेफ है के पोस्टर लगे, पोस्टर में महायुति के सभी बड़े नेता। महाराष्ट्र में सीएम के लिए फडणवीस का नाम आगे, बीजेपी अध्यक्ष फडणवीस से मिलने पहुंचे प्रवीण दरेकर ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की मांग की। महाराष्ट्र के वाशिम में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे, पोस्टर में फडणवीस को बताया महाराष्ट्र का सीएम। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले, फडणवीस की अगुवाई में प्रचंड जीत, वही सीएम के लिए सबसे फिट, मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। इंडिया टीवी से बोली देवेंद्र फडणवीस की मां, दिन रात पार्टी मेहनत करता था देवेंद्र, परिवार के लिए समय नहीं रहता। प्रचंड जीत पर देवेंद्र फडणवीस का पहला ट्वीट लिखा, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। जीत के बाद अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को फोन पर बधाई दी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से भी फोन पर बात की। चुनाव नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे पर शिंदे का तज, जनता ने बता दिया कौन असली शिवसेना। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एकनाथ शिंदे ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। महायुति की जोरदार जीत पर सुनीता पवार ने जनता का धन्यवाद किया, बोले अजीत पवार ने बारामती में जो विकास किया है उसकी वजह से यहां की जनता के जीवन में बदलाव आया। सीएम पद को लेकर बोले अजीत पवार की पत्नी, मैं भी चाहती हूं अजीत पवार बने सीएम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महायुति को दी जीत की बधाई, एक्सपर्ट लिखा पीएम मोदी के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी, ऐतिहासिक जीत के लिए महायुति को बधाई। महाराष्ट्र में नतीजों के बीच मुंबई बीजेपी का ट्वीट, दो तस्वीरें शेयर कर लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों ने औरंगजेब को श्रेष्ठ बनाने वालों को हराया, टाटा बाय बाय खत्म। बीजेपी महासचिव विनोद तांबड़े का रिएक्शन, बोले मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मिली जीत, शिंदे फडणवीस अजीत ने मिलकर लड़ा चुनाव। नाराज संजय राउत बोले ऐसे नतीजे आ नहीं सकते, जनादेश की चोरी की गई है, महाराष्ट्र में बेईमानी हुई है। संजय राउत पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का पलटवार, कहा संजय राउत को पागलखाने में कराया जाए भर्ती। प्रवीण दरेकर बोले गाली गलौज से जीत हासिल नहीं होती, महाराष्ट्र की जनता ने विकास पर वोट दिया। महाराष्ट्र में एमवीए का मतभेद सामने आया, सुप्रिया सुले बोले आज ईवीएम पर चर्चा का दिन। परिणामों के बीच बीजेपी का उद्धव पर बड़ा हमला, सुधीर मुनगंटीवार बोले कुर्सी के लालच में उद्धव हारे, उद्धव को गद्दारी की सजा मिली।